वृंदावन कोतवाली क्षेत्र में एक अधेड़ ने दरोगा पर बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया है। अधेड़ व्यक्ति ने बताया कि वह एक प्लॉट पर चौकीदारी करता है, उसी दौरान एक दरोगा ने उसे लाठी डंडों से सड़क पर गिराकर बुरी तरह से पीटा है। शुक्रवार की शाम 7 बजे थाना वृंदावन की पुलिस चौकी रमन रेती के प्रभारी ने नगला कीकी में एक प्लॉट पर चौकीदारी कर रहे देवी आटस निवासी अधेड़ से जमकर मारपीट की। इससे भी सब्र नहीं हुआ तो सड़क पर गिरा दिया। पुलिस की गुंडई से अधेड़ भयभीत होकर अपने आप को बेगुनाह बताते हुए हाथ जोड़कर दया की भीख मांगता रहा, मगर चौकी प्रभारी को फिर भी तरस नहीं आया। घायल अवस्था में अधेड़ अपने घर पहुंचा, परिजनों को सारी बात बताई। नरसी वैष्णव, रामजीत पहलवान, विष्णु वैष्णव, बबलू वैष्णव, लक्ष्मी देवी, परसी, संजय सिंह और रवि आदि ने बताया कि हनुमान दास बेहद सीधा साधा व्यक्ति है। उसके साथ चौकी प्रभारी रमन रेती दुष्यंत कौशिक ने घोर अत्याचार किया है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनपद के ईमानदार कप्तान से सैकड़ों लोग मिलकर कड़ी कार्यवाही करवाएंगे, जरूरत पड़ने पर आंदोलन भी किया जाएगा। मैं वहाँ चौकीदारी करता हूँ कि किनारा के पास में कृष्णा ग्रीन में, तो रमन रेती थे, चौकी आई थी, तो मुझसे कुछ नहीं पूछा, खाली डंडा मारते हुए आए। किस चीज के लिए? और मैं वहाँ खाने के लिए धारा था, इतने खाना नहीं आया, इतने आंखें देते हुए बने। कहाँ पे मारा पीटा? जाते हाथ मिला है और जेब देखा।